दीदींकु लागिला झटका। ममता दीदींकु हात छाडिले दिनेश त्रिवेदी, टीएमसीर राज्यसभा पदरु देले इस्तफा। पश्चिमबंगरे टीएमसीर राजनीतिकु नेइ असन्तुष्ट, दलरे श्वासरुद्धि पडिथिबा कहिले दिनेश। खूब शीघ्र बीजेपी रे जोगदेबा नेइ कल्पना जल्पना। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूँ, मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। मात्र किछि दिन व्यवधान दे पूर्णी पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री दीदी ममता बनर्जी को लागिछि झटका। गत डिसेम्बर मासरो टीएमसी रो वरिष्ठ नेता एवं कर्मी माने दल आ पद पदवी छाड़ीबार जे धारा आरंभ होइतिला, एबे से धारा रे शामिल होइछंती आउ जने पुरखा नेता। टीएमसी तरफ राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करथुवा तृणमूल कांग्रेस रो वरिष्ठ नेता तथा सांसद दिनेश त्रिवेदी निज पदरु इस्तफा देइछंती। संसद रे चलिथिबा बजेट अधिवेशन रो शेष दिन रे निज इस्तफा संपर्क रे घोषणा करी समस्तंकु चकित करि देइछंती श्रीजुक्त त्रिवेदी। तांको अभिजोग हेउछि पश्चिमबंग रे आगो को विधानसभा साधारण निर्वाचन अनुष्ठित हेबा पूर्वरु सेठारे बढ़िबा लागिछि राजनैतिक हिंसा। रवींद्रनाथ टैगोर को कर्मभूमि रे एपरि हिंसा तांको अस्थिर एवं अणनिश्वासी करि पकाइछि। एथिपाइं तृणमूल दल रो नेतृत्व सहित तांको काम करिबारे असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पडुछि। निज जन्मभूमि रो सेवा पाइ राज्य रे चलिथिबा कुशासन को विरोध करि से पदरु इस्तफा देउछन्ति बोली प्रकाश करछन्ति। कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाए पाखुजे पावे गो ना गो तुमी, शेजे होच्चे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो। दिनेश को इस्तफा को अकस्मात एवं दुर्भाग्यजनक बोली कहिसंती टीएमसी रो अन्यतम वरिष्ठ नेता तथा सांसद स्वगत रॉय। इस्तफा परे तांका राजनैतिक भविष्यत संपर्क रे स्पष्ट भाबरे एबेठारु घोषणा करिनथले भी खूब शीघ्र बीजेपी रे जोग दे पारंती बोली चर्चा हेउची। हमें तो पता नहीं था कि वो रिजाइन करेंगे, वो पार्टी को नहीं बताए थे पहले, वो उनका असंतोष जताए थे, कल शरद पवार के पास जाके बोले, लेकिन उनको तो कोई इनकरेज नहीं किया कि आप रिजाइन कर दो। अचानक ही आ गया, हम लोग से बात नहीं किया, चार पांच दिन पहले ही उनसे बात हुआ था मेरा, इसे कुछ नहीं बताया कि एक्सट्रीम स्टेप लेंगे। ममतांक दमनमूलक एवं हिंसात्मक कुशासन अतिष्ठ हुई यहाँ मध्ये सुनील मंडल, शुभेन्दु अधिकारी, राजीव बनर्जी भाई अनेक वरिष्ठ नेता तथा विधायक एवं सांसद दल छाड़ी बीजेपी जोग दे सारछंती। एबे दिनेश त्रिवेदी भाई अभिज्ञ नेता बीजेपी जोग देले दल रे स्वागत करा बीजेपी नेता। तो बड़े बड़े ताकतवर नेता पार्टी की परंपरा से खुश नहीं है, और जो भी देश हित में और बंगाल के हित में, लोगों के हित में काम करना चाहता है, उनके लिए स्पेस नहीं है। और मैं तो ये चाहूंगा जो अच्छे लोग देश के लिए, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग भाजपा के साथ जुड़ें, क्योंकि 2021 में परिवर्तन होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। को बताता हूँ, एक बार आप बंगाल जीतिए, बंगाल के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र, और आंध्र के बाद केरल की झड़ी लग जाएगी, क्योंकि सागर
ये सबको जोड़ता है।